नमस्कार साथियों, आप सभी का चैनल पर स्वागत है। और आज जो है हम उस मुद्दे की बात करने वाले हैं जो अधिकतर लोगों के आजकल जीवन में जो है आ ही जा रहा है किसी ना किसी प्रकार से। वो दुख की बात नहीं हो रही यार कि दुख सभी के जीवन में आ जाए, नहीं, आजकल एक दूसरा जो है मुद्दा है जो सबके जीवन में आ जा रहा है। कैसे आ जा रहा है इसके बारे में तो निश्चित नहीं कहा जा सकता, लेकिन कह सकते हैं कि कुछ चीजें हैं जिनको यहाँ पे देखा जाता है, उसकी वजह से जो है कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत तो कुछ ना कुछ कहा ही जा सकता है। सब हर कोई सोचता है कि हमारी शादी हो और शादी के बाद अपने जीवन साथी के साथ जो है बहुत अच्छे से बहुत खुशी से रह सकें। हर किसी का रिश्ता जो है अंतिम पड़ाव तक चले बड़ी मुश्किल हो चुका है आजकल। एक जमाना ऐसा था कि अपने साथी के साथ जो है लोग अंतिम उम्र के पड़ाव को देखते थे, आज अपने साथी के साथ जवानी के उम्र के पड़ाव को अलग अलग साथी के साथ देखते हैं। मतलब समझ रहे हैं, यानी एक के साथ वो जुड़े तो कुछ समय के बाद उससे जो है हमें अलग होना, फिर दूसरे के साथ जुड़ना, फिर तीसरे के साथ जुड़ना, चौथे के साथ, पांचवे के साथ। हमें किसी एक के साथ अपनी उम्र को नहीं बितानी, हमें एक ही पर्सन में वो सारी चीजें नहीं दिख रही हैं जो दूसरे में दिखेंगी, उस दूसरे के बाद हमें उसमें कुछ चीजें नहीं दिखती है जो तीसरे में दिखेंगी, और वो जीवन भर इस तरह भटकते हैं और लास्ट में उन्हें ऐसे शख्स से पाला पड़ता है ना, फिर उन्हें लगता है कि यार जीवन में कहीं कुछ तो कमी रही होगी। मैं बात करने वाला हूं तलाक की, यानी आजकल जो इतने तलाक हो रहे हैं, यानी जो डिवोर्स हो रहे हैं, जो इतनी ज्यादा शादियां टूट रही हैं। लव मैरिज करने के बाद भी लोग जो है अपने साथी को छोड़ देते हैं। अरेंज मैरिज एक बार चलो कहो तो ठीक है कि दोनों एक दूसरे को कम समझ पाए, इसलिए समझदारी ना पूरी होने की वजह से एक दूसरे को छोड़ दिया। लेकिन अगर आपने लव मैरिज किया तो फिर भाई कहां पे आप में वो कमी रह गई या अगले में वो कमी रह गई जो आपको दूसरे में ढूंढनी पड़ी या दूसरे शख्स में दिख गई, उस शख्स में नहीं दिखे जिससे साथ आप जुड़े या आपने अपनी शादी या अपने जीवन के पल बिताने के लिए कसमें खाई या वादे की। शादी आजकल बहुत सारी हो गई, या लव मैरिज जो हो रही है, या किसी शादी के बारे में कोई ये नहीं बता सकता कि ये शादी कब तक चलेगी, या इस शादी में कब तलाक होने वाला है, या कब ये शादी टूट जाएगी। कि भाई करोड़ों की संपत्ति दान दे दो या करोड़ों का दहेज दे दो उसके बाद नहीं शादी टूटेगी, या आप इतने रुपए कमा लो शादी नहीं टूटेगी, ऐसा कुछ नहीं। बिल गेट्स जैसे, बिन जोसेफ जो आपके अमेजोन के आपके हेड हैं, माइक्रोसॉफ्ट के जो हेड हैं, उन जैसे लोगों की शादियां टूट गई, फेसबुक की जो आप कह सकते हैं हेड हैं उनकी शादियां तो चल रही हैं। लेकिन अपने इंडिया में भी कुछ लोग चर्चा में चल रहे हैं, जैसे टीना डाबी जो आईएएस, उर्मिला मातेंडकर जो आपकी अभी सबसे ज्यादा चर्चा में चल रही है, हार्दिक पांड्या जैसे आप कह सकते हैं बड़े सेलिब्रिटी को कैसे आप भूल सकते हैं, क्रिकेटर जो है, इसी तरह से तमाम कैसे आ रही है, इसके पीछे क्या वजह है, उस चीज को अगर आप ढूंढने बैठोगे ना तो कोई कनेक्शन ही नहीं मिलेगा। क्योंकि देखो अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपके पास बहुत पैसा है तो कोई छोड़ के नहीं जाएगा, तो इस चीज से भी आप जो है ये नहीं कह सकते। हार्दिक पांड्या जैसे क्रिकेटर या सेलिब्रिटी के पास पैसे की कमी नहीं, टीना डाबी एक आईएएस है, एक प्रशासनिक पद पर बैठी, उनके पास कहां से कमी है, ये मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि आप जिस इंसान को चुनते हैं वह इंसान आप में क्या देखकर आपको चुना था। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह होती है कि आप जिसको चुनते हैं उसमें आप क्या देखकर चुनते हैं, अगला आप में क्या देखकर के चुन रहा है, यही होता है। इसीलिए कहते हैं कि रिश्ते किसी से भी बनाओ उसमें सम्मान होना चाहिए, एक दूसरे की कद्र होनी चाहिए। ये नहीं कि हमारे पास बहुत पैसा तो हमारी कद्र होगी, हमारे पास पैसा नहीं हमारी कद्र नहीं होगी, नहीं। सबसे ज्यादा जो जरूरी होता है वो रिश्ते में होती है कदर, एक दूसरे का सम्मान। क्योंकि अगर आप एक दूसरे का सम्मान करोगे तो शायद सारी चीजें बैलेंस रहती है। तो आपको क्या लग रहा है शादियों में क्या कमी रह जाती है, उसको मेंशन करिएगा एक बार कमेंट करके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।